आजी दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है रविवार विशेष कक्षा यानी कि 14 जुलाई 2024 की विशेष साप्ताहिक रिवीजन की कक्षा में। मैं उन्नति जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ करंट अफेयर्स की रिवीजन वीकली रिवीजन क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप लोग कक्षा में अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं तो फटाफट जोरदार तरीके से दौड़ लगा करके, मुंह हाथ धो करके, ब्रश करके और चाय पी करके जल्दी जल्दी से आ जाइए करंट अफेयर्स की क्लास में। जल्दी दौड़ लगाकर आना होगा, है ना। 14 जुलाई रविवार कक्षा में फटाफट आ जाइए। साप्ताहिक रिवीजन करवाऊंगी मैं आज पूरा का पूरे हफ्ते का, कैसा रहा हमारा वीक, क्या क्या हमने पढ़ा और क्या क्या आपसे बन रहा है। आज मैं आपके लिए 50 प्रश्न लेके आई हूँ, टॉप 50 क्वेश्चन का आज आपके लिए रिविजन कराया जाएगा। सभी के लिए गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जल्दी जल्दी से आ जाइए। विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल विनर्स क्विज को आप जल्दी से फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट परीक्षा संबंधी अगर आपको प्राप्त करना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल चैनल को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब क्लास की पीडीएफ के लिए भी आप विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आप लोग उपस्थित हो जाइए विनर्स इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए। अगर आप लोग आज रविवार का कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो थम जाओ मेरे साथियों, आज आपके लिए विशेष 5 कक्षाएं मिलने वाली हैं। जैसा कि आपको पता है सर्दी गर्मी या हो बरसात, रविवार के लिए संडे स्पेशल क्लास करंट अफेयर्स तो हमेशा रहती है। अब आपको 9 बजे हिंदी की क्लास जितेंद्र सर के द्वारा, 11 बजे बाल विकास की क्लास राजेश सर के द्वारा और पोषण और स्वास्थ्य की क्लास महिला पर्यवेक्षक के सभी अभ्यर्थियों के लिए जमील सर की क्लास मिलने वाली है। MPTET और महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आज शाम को 6 बजे आपको आदित्य सर के द्वारा मैथ्स पढ़ाई जाएगी जिसमें लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे। आप लोग जरूर विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी चर्चित नहीं होता, लेकिन भाई मेरे सारे स्टूडेंट जो सुबह 8 बजे आ जाते हैं वो संघर्ष भी कर रहे हैं और जरूर 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 वो चर्चा में आएंगे भविष्य में, ये बात तो तय है। पहले प्रश्न के साथ कक्षा की शुरुआत जोरदार तरीके से। पोस्टमार्टम संडे को नहीं होता है, सिर्फ आप उत्तर देते हो क्योंकि देखना होता है मुझे कि कितने कितने स्टूडेंट ने उत्तर दिया है। गुड मॉर्निंग की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है, फटाफट पहले प्रश्न के उत्तर दो, उसके पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी मित्रों के बीच में ताकि सभी के समक्ष ये क्लास पहुंच सके। शेयरिंग बढ़ती जानी चाहिए, लाइक बढ़ते जाने चाहिए। बार बार नहीं बोलूंगी, एक बार बोलूंगी और कर देना। चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन की 57वीं विदेश मंत्री की बैठक, भैया बताइए इन विच कंट्री विल द 57th फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बी हेल्ड। कजाकिस्तान में एशियाई देशों की बैठक होगी, आसियान की बैठक, चीन में, लाओस में या फिर रूस में। फटाफट जितने भी स्टूडेंट है फटाफट उत्तर देते जाओ। जो जो रोज आता है वो तो मुझे पूरे के पूरे क्लास में देख रहे हैं, लेकिन जो रोज नहीं आता वो कैसे देखेंगे। बोलो बोलो बोलो, उत्तर दो भाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, लाओस में आसियान देशों की बैठक, 57वीं विदेश मंत्री। प्रश्न क्रमांक दूसरे पर चलेंगे। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव द प्लान टू बिल्ड अ न्यू ऑर्बिटल स्टेशन बाय द ईयर 2030। रशिया ने, जापान ने, दक्षिण कोरिया ने या फिर भारत ने। जितने भी साथी गण, मैं बोलती हूँ हमेशा कि संडे की क्लास मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहती है। क्यों? क्योंकि संडे रहता है और दूसरा क्योंकि आप लोग सही सही उत्तर देते हैं। आप सभी लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको धन्यवाद। पढ़ते रहिए, जरूर विश्वास मानिए लक्ष्य आपके करीब ही है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, 2030 तक स्वयं का नया ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की जो मंजूरी मिली है वो रशिया ने दी है, ये भी याद रख लेना।
परीक्षा में संभावित प्रश्न है। आगे बढ़ती हूँ, यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 के सेमीफाइनल में किस टीम ने पेनल्टी शूटआउट में पुर्तगाल को हराया था? विच टीम डिफीटेड पुर्तगाल 5-3 इन द पेनल्टी शूटआउट इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2024? अर्जेंटीना ने, तुर्की ने, स्पेन ने, फ्रांस ने? देखो दोस्तों, आज है 14 जुलाई, यूरो कप फाइनल का मैच है ना, तो बढ़िया तरीके से आप लोग उस मैच को देख रहे होंगे, और फ्रांस ने पुर्तगाल को सेमीफाइनल में हराया है, ये जानकारी आपको पता होगी। बढ़ूंगी प्रश्न क्रमांक चौथे पर, थोड़ी फास्ट क्लास चलेगी, क्यों? क्योंकि रिवीजन क्लास है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिबिल ने महिला उद्यमियों के लिए कौन सा एक व्यापक ऋण शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया है? वुमन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंड ट्रांस यूनियन सिबिल हैव लॉन्च विच कॉम्प्रेहेंसिव क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम फॉर वुमेन एंटरप्राइजेस? अही प्रोग्राम शुरू किया है, ग्रो प्रोग्राम शुरू किया है, डीप प्रोग्राम शुरू किया है, या फिर शहर प्रोग्राम शुरू किया है? चांद सितारे लग जाने चाहिए इस प्रश्न पर, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। फोकस ऑन दी बोर्ड, जल्दी जल्दी उत्तर देंगे सभी साथीगण, बोलो। उत्तर दो भाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखो तस्वीर में तो सभी दिख रहा है, लेकिन आपको याद रखना है शहर, क्योंकि परीक्षा में तस्वीर नहीं आएगी, याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हो अगले प्रश्न पर, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। हु हैज रिसेंटली इंस्टॉल्ड अ फ्लोटिंग सोलर प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम अप टू प्रमोट ग्रीन एनर्जी? केंद्रीय रेलवे ने, उत्तर रेलवे ने, पूर्वोत्तर रेलवे ने, या फिर पश्चिमी रेलवे ने? भाई देखो, ओमकारेश्वर खंडवा में फ्लोटिंग प्लांट सोलर प्लांट है, बिल्कुल है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है वह कौन सा रेलवे जोन है जिसने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना की है? फटाफट सभी साथीगण उत्तर देते जाएं, देते जाएं और देते जाएं। बिल्कुल, यहां पर मध्य रेलवे या फिर केंद्रीय रेलवे आपका उत्तर होगा, जहां पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना की गई है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां पर हाल ही में किसे पत्र सूचना कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? Who has been recently appointed as the Director General of Press Information Bureau? रवि अग्रवाल को, संजय कुमार वर्मा को, धीरेन्द्र ओझा को, या फिर प्रवीण कुमार को? पढ़ाई गई बात है, हफ्ते भर पढ़ाया है, उत्तर दे दो भाई, जल्दी जल्दी। सभी उत्तर देंगे, कमेंट सेक्शन में आलस मत दिखाना रे, उत्तर देते जाओ। साप्ताहिक रिवीजन है, रविवार ये विशेष कक्षा है, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो हम जनाब बनेंगे, है ना। थोड़ा तो टाइम आपको दे रही हूं उत्तर देने के लिए, पर इतना काफी है रे। धीरेन्द्र ओझा प्रेस सूचना कार्यालय का महानिदेशक, चांद सितारे लगा करके 2024 की नियुक्ति याद कर लेना। स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को करियर उपलब्धि से सम्मानित किया जाएगा? विच इंडियन एक्टर विल बी ऑनर्ड विथ द करियर अचीवमेंट अवार्ड एट द लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल इन स्विट्जरलैंड? अजय देवगन को, विक्की कौशल को, शाहरुख खान को, या फिर आमिर खान को? उत्तर देंगे सभी साथीगण। हाँ जी, भूकंप आ गया है, उत्तर देना। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट या फिर करियर अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, याद रख लेना दोस्तों। ये है जनाब या फिर जवान शाहरुख खान। बढ़ती हूँ अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में नवीनतम युद्ध टैंक जोरावर का अनावरण किसने किया है? जोरावर, हु हैज रिसेंटली अनवील्ड द लाइटेस्ट बैटल टैंक जोरावर? DRDO के द्वारा, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा, BEL के द्वारा, या फिर MDL के द्वारा? दोस्तों उत्तर देना, जोरावर का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? बहुत
बहुत ही बढ़िया, चूंकि देखो रक्षा संबंधित बात है और देश की रक्षा करने के लिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी रेडी है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए ISI मार्क अनिवार्य कर दिया है? हु हैज रिसेंटली मेड ISI मार्क मैंडेटरी फॉर स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम यूटेंशियल्स? फसाई, FPO, BIS या फिर इकोमार्क? आप सभी को पता होना चाहिए एल्यूमिनियम के बर्तन खाना पकाने के लिए, गर्म खाना करने के लिए बड़े ही हानिकारक होते हैं। साथ ही साथ स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन है वो मानक आधारित अगर तैयार नहीं किए जाएंगे तो कई जानलेवा बीमारियों के कारण बन सकते हैं। तो अब क्या किया गया है, अब ये इन यूटेंशियल्स पर यानी कि स्टेनलेस स्टील हो या फिर एल्यूमिनियम, इन दोनों के लिए अब क्या शुरू कर दिया गया है ISI मार्क। किसने शुरू किया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा इसे शुरू किया गया है। सी इज द राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में सभी लोग उत्तर सही दे रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, भारत और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच पहली सचिव स्तर की बैठक कहां आयोजित हुई है? वेयर वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हेल्ड? गुरुग्राम में, हैदराबाद में, दिल्ली में या फिर गांधी के नगर में? उत्तर देना दोस्तों। हाँ जी, उत्तर देते जाना सभी साथीगण, जोरदार जी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर दिख रही है तो बिल्कुल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सुपर वेट क्लासिक चेस टाइटल अपने नाम किया है? विच प्लेयर हैज रिसेंटली वॉन द सुपर वेट क्लासिक चेस टाइटल? डिगोकेश ने, फेवियानो कारुआना ने, अनीश ग्रीन ने या फिर अलीरेजा फिरोजा ने? पढ़ाई गई बात है, महत्वपूर्ण है, चांद सितारे वाला सेशन है, चांद सितारे जरूर लगा लो। वीडियो लाइक ना करने वालों लाइक कर दो। टॉप 50 क्वेश्चंस है तो बढ़िया तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है क्लास को। हाँ जी दोस्तों, फटाफट तरीके से कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जल्दी से बता दो। फेवियानो कारुआना ने यहां पर सुपरवेट क्लासिक चेस टाइटल अपने नाम कर लिया है, याद रखना। आगे बढ़ती हूँ, हाल ही में किस देश में बैलों और मनुष्यों के बीच लड़ाई का त्योहार फर्मिन फेस्टिवल शुरू हुआ है? इन विच फेस्टिवल, विच कंट्री द फेस्टिवल ऑफ फाइट बिटवीन बुल्स एंड ह्यूमंस फर्मिन फेस्टिवल हैज स्टार्टेड रिसेंटली? स्पेन मैड्रिड में, फिलीपींस मनीला में, पुर्तगाल लिस्बन में या फिर रूस इटली में? चांद सितारे लगा दो इस प्रश्न पर, परीक्षा की दृष्टि से अति अति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये फेस्टिवल हमेशा पूछे जाते हैं, चूंकि करंट में ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया गया इसलिए करंट अफेयर्स है, नहीं तो यह प्रतिवर्ष ही आयोजित किया जाता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पिक्चर तुमने देखी है, उसमें यह बुल फाइट भी आपने देखा है ना, तो यह आयोजित किया जाता है भैया स्पेन मैड्रिड में, चांद सितारे लगा करके याद कर लेना। आगे बढ़ती हूँ, हाल ही में किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है? इन विच स्टेट हैज क्रिटिकल मेनलैंड सीरो हैज बीन सीन रिसेंटली? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर असम में? उत्तर देंगे सभी साथीगण, संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो। ये परीक्षा में मुझे ऐसा पक्का लग रहा है कि चाहे SSC, रेलवे, MBPSC या फिर ESB का कोई भी एग्जाम हो, पूछा जाना चाहिए। अच्छा प्रश्न बन रहा है क्योंकि इसकी तस्वीर भी जारी हुई है, संकटग्रस्त प्रजाति है मेनलैंड सीरो जो कि असम में देखा गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में मसूद पेजेशकियन किस देश के राष्ट्रपति चुने हैं? अंतर्राष्ट्रीय खबर है, चांद सितारे लगा देने चाहिए भैया। रिसेंटली मसूद पेजेशकियन हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ब्रिटेन के राष्ट्रपति, क्या ब्रिटेन में राष्ट्रपति होते हैं? स्पेन के राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति या फिर नीदरलैंड के राष्ट्रपति? जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर, जोरदार तरीकों से उत्तर आ जाना चाहिए। मसूद पेजेशकियन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बोलो भाई। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ईरान के निर्विरोध रूप से चुने गए राष्ट्रपति मसूद हैं, याद रख लेना। आगे बढ़ती हूँ 15वें प्रश्न पर, ग्रांप्री ऑफ स्पेन 2024 में किसने महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत लिया है? देखो भाई, 27 जुलाई से शुरू होने वाले हैं पेरिस ओलंपिक, बड़ा मजा आने वाला है। और इसी के पहले हमारे पास एक सूचना ये मिल गई है कि भाई हो सकता है पहलवानी में हम इस बार पेरिस ओलंपिक में पदक जीत लें, क्योंकि स्पेन की ग्रांप्री
पुरस्कार जो प्रतियोगिता है 2024 की, उसमें 50 किलोग्राम में विनीत विनेश फोगट के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, चांद सितारे लगा करके याद कर लेवे। आगे बढ़ती हूँ अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस लेखिका को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? रिसेंटली विच राइटर हैज बीन सिलेक्टेड फॉर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लाइफ लिटरेचर अवार्ड? उत्तर देंगे सभी दोस्तगण, भैया बता दो वो कौन है, अंजना द्विवेदी है, शिव संकरी है, नीता भारद्वाज है या फिर अस्मिता पांडे है? बोले बोले बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आ जाएगा उत्तर शिव शंकरी। यहाँ पर इन्हें दिया गया है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, चांद सितारे लगाकर याद कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना शिव शंकरी को उसके पहले कौन सा पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस कंपनी के चेयरमैन यंग लियो को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? रिसेंटली विच कंपनी चेयरमैन यंग लियो हैज बीन अवार्डेड पद्म भूषण अवार्ड? क्वालकॉम, क्रोमा, फॉक्सकॉन या फिर मित्सुबिशी? पद्म भूषण में विदेशी कंपनी के प्रमुख चेयरमैन यंग लियू को दिया गया था, जो कि अब इनको पुरस्कार दिया गया। फटाफट बता दो भाई वो कौन है। हाँ जी क्या उत्तर है? अरे भाई आपको पढ़ा है, बड़ी चर्चित कंपनी है, लाइमलाइट में आ चुकी है फॉक्सकॉन, अच्छा खासा संबंध है हमारा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने वित्त वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच स्टेट हैज ऑल्सो टॉप द लिस्ट इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोस इन फाइनेंशियल ईयर 2024? महाराष्ट्र ने, गुजरात ने, मध्य प्रदेश ने या फिर कर्नाटका ने? उत्तर देंगे सभी साथीगण जी। चलिए, किस राज्य सरकार ने यह अवार्ड जीता है भैया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रवाह में शीर्ष स्थान? तो भैया वो महाराष्ट्र है, औद्योगिक राज्य है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ? वेयर हैज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट्स आल्सो कॉल्ड नाटो समिट स्टार्टेड? अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, फिलीपींस में या फ्रांस में? नाटो की स्थापना कब हुई ये भी आपके लिए बढ़िया तरीके से पोस्टमार्टम में बताया गया है, मैं उम्मीद करती हूँ याद आ रहा होगा। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि नाटो में सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, फटाफट बता दो दौड़ लगा करके, पर ज्यादा तेज दौड़ मत लगाना, क्लास में बने रहना, भाग मत जाना, वीडियो को लाइक करते जाना और शेयर करते जाना, लगातार शेयरिंग बढ़ती जाना चाहिए। अमेरिका में नाटो का सम्मेलन आयोजित किया गया, चांद सितारे लगा करके याद कर लो, नहीं तो कभी ऐसा हो कि 2024 में प्रमुख सम्मेलन और हमारा मोए मोए हो जाए, याद कर लो सभीगण। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जैन जेनरेटिव एआई के आविष्कारों में सबसे आगे है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्री इज लीडिंग इन द इन्वेंशंस ऑफ जैन एआई? भारत, चीन, अमेरिका या फिर दक्षिण कोरिया? सभी साथीगण उत्तर देंगे फटाफट तरीके से। हाँ जी उत्तर देते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चीन है जेनरेटिव एआई में आगे, उत्तर देते जाना। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा ग्रामीण समृद्धि नई नीतियों और चिके विकासात्मक पहलों के लिए वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना गया? विच स्टेट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर द ईयर 2024 फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी न्यू पॉलिसीज एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव वाय द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी? कर्नाटक को, महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को या फिर मध्य प्रदेश?
को। दोस्तों मध्य प्रदेश कृषि राज्य तो है लेकिन इस अवार्ड में अभी यह पीछे है। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार पूछा जा रहा है आपसे, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार 2024। बोलो बोलो। हाँ जी बिल्कुल, महाराष्ट्र ने प्रत्यक्ष विदेशी प्रवाह में भी शीर्ष स्थान हासिल किया और सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार भी जीता, याद कर लेना। हाल ही में कौन वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के शेफ डी मिशन के रूप में मैरीकॉम की जगह लेंगे? हु विल रिप्लेस मैरीकॉम एज इंडिया शेफ डी मिशन फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक? पीवी सिंधु, शरद कमल, नीरज चोपड़ा या फिर गगन नारंग? मैंने जब इस प्रश्न को पढ़ाया था तब भी व्याख्या की थी, पीवी सिंधु और शरद कमल तो ध्वजवाहक हो जाएंगे भैया पेरिस ओलंपिक में, याद कर लेना। नीरज चोपड़ा टीम का नेतृत्व करेंगे, टीम का नेतृत्व करेंगे और गगन नारंग यहां पर शेफ डिविजन के प्रमुख होंगे। तो इस प्रकार से जल्दी से आप लोग इसकी बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया तरीके से इसको याद कर लो अच्छे तरीके से। आगे बढ़ूंगी मैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य की तजाकारा पंचायत ने पुलिस पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर का दूसरा खंड प्रकाशित किया है? तजाकारा पंचायत ऑफ विच स्टेट हैज पब्लिश द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या फिर झारखंड? उत्तर देंगे सभी साथीगण। नहीं दिखा, दिखाई नहीं, दिखाई नहीं। हाँ जी जल्दी से बताइए उत्तर। जी बिल्कुल, केरल की तजाकारा पंचायत ने पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर का दूसरा खंड जारी किया है। आगे बढ़ूंगी अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक होगा 24। सो जाने वालों उठ जाओ, संडे है तो क्या हुआ, उठना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा। आ जाइए दोस्तों, हाल ही में टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में घर घर सोलर पहल छतों पर सौर ऊर्जा की शुरुआत की है? जल्दी से बताइए। रिसेंटली टाटा पावर हैज लॉन्च घर घर सोलर इनिशिएटिव फॉर रूफ टॉप सोलर पावर विच सिटी इन ऑफ उत्तर प्रदेश? नोएडा में, लखनऊ में, वाराणसी में या फिर मथुरा में? उत्तर दे दो, बस 25 प्रश्न और बचे हैं। टाटा बाय बाय, तुम भी संडे एंजॉय करो, हम भी करें। बस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना एंजॉयमेंट के चक्कर में, नहीं तो अटेंडेंस लगाना भूल जाओ। वाराणसी में घर घर सोलर पहल योजना शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष और महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? Which country has won the men's and women's single title at the Saint Denis Reunion Open Badminton Tournament 2024? जापान ने, चीन ने, भारत ने, कजाकिस्तान ने? बता जल्दी से। हाँ जी, चीन ने उबर कप और थॉमस कप दोनों जीता है, बिल्कुल मान रही हूँ, पर यहाँ पे भारत की चर्चा चल रही है और भारत ने डेनिस रीयूनियन ओपन में बैडमिंटन में दोनों पदक जीते हैं। सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पदक जीता है पुरुष सिंगल्स और महिला सिंगल्स का भारत के द्वारा, याद रख लेना दोस्तों। हाजी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर म्यूल फंड अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। चर्चा में रहा म्यूल अकाउंट का संबंध किससे है? द म्यूल अकाउंट दैट वाज द इन न्यूज रिलेटेड टू व्हाट? विदेशी विनिमय, आयात निर्यात, कंप्यूटर वायरस या फिर वित्तीय धोखाधड़ी? आप सभी को पता है हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा एक सूचना जारी की गई जिसमें बताया गया कि खच्चर खाता, जो कि मैंने तब भी बताया था पोस्टमार्टम में, खच्चर खाता से संबंधित जो जानकारी उनसे सावधान रहे, यह वित्तीय धोखाधड़ी का एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। तो म्यूल अकाउंट का संबंध वित्तीय धोखाधड़ी से है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन और सैन्य निगरानी तथा आपदा प्रतिक्रिया और मानचित्रण हेतु एलॉस 4 उपग्रह लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च एलॉस 4 सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड मिलिट्री सर्वेलेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स मैपिंग? चीन ने, जापान ने, रूस ने या फिर उत्तर कोरिया ने? बताना जरा, पृथ्वी सर्वेक्षण या फिर पृथ्वी प्रतिक्रिया उपग्रह प्रणाली? बोलेंगे दोस्तों,
जल्दी जल्दी से दोल बोलो त। आजी कहाँ गया उत्तर, गुम गया क्या? पढ़ा है यार, LOS 4 उपग्रह जो लॉन्च किया है वो जापान ने लॉन्च किया, जैक्सा ने। आगे बढ़ती हूँ अगले प्रश्न पर। आईसीसी ने जून महीने के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? विच हैज बीन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड प्लेयर ऑफ द मंथ बाय आईसीसी फॉर द मंथ ऑफ जून? ट्रेविस हेड और एलिस पेरी, विराट कोहली, हरमनप्रीत कौर, शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा, जसप्रीत बुमराह या फिर स्मृति मंदाना? भैया स्मृति मंदाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे बूम बूम बुमराह ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता, तो भैया चर्चा है तो आगे तक तो जाएगी जाएगी। तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित हुए। पहली बार इन दोनों को यह प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है, ये भी याद रख लेना चाहिए। और भारत के ही दोनों खिलाड़ी हैं, मेल और फीमेल में, तो जोरदार ताली बजाना चाहिए, अच्छी बात है कि नहीं? सोना नहीं बेटा, उठ जाओ। आज इसलिए मैं क्वेश्चन भी कम लेके आई हूं, तो मैं टॉप 80 क्वेश्चन लेके आती हूं जो हर वीक आते हैं, उनको पता है ना। चूंकि हमारे पास एक बहुत विशिष्ट जानकारियां थी तो हमने इसको टॉप 50 में कन्वर्ट कर दिया। ओके चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टोल से सम्मानित किया गया? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन अवार्डेड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टोल? फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया या फिर अमरीका? बताना कहां गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा पे। 15 देशों के प्रमुख सम्मान को प्राप्त कर चुके हैं ये व्यक्ति। 10 मिनट शो के माध्यम से इसकी व्याख्या ऑलरेडी कर की जा चुकी है भाई, बता देना दोस्तों। हाँ जी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किसे किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया है। 2019 में इस पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी थी। 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी जी रूस गए, 22वीं शिखर वार्ता में शामिल हुए और उसके बाद 41 साल बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा पर भी जाने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए। 41 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया गया था, ये भी आपको बताया गया है। रूस ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रश्न क्रमांक 30वें पर आ चुके हैं। हाल ही में कौन सा देश घातक तूफान बैरल से प्रभावित हुआ है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन अफेक्टेड बाय द डेडली स्टॉर्म बैरल? जापान, चीन, अमेरिका या फिर बांग्लादेश? उत्तर देंगे सभी साथीगण। लास्ट 20 क्वेश्चन लेफ्ट एंड संडे स्पेशल क्लास एंड। अब बताइए, बड़ा मजा आएगा आज आपको, बढ़िया तरीके से 30 प्रश्न उत्तर दे ही चुके हो, 20 बचे हैं और पता चल जाता है कि भैया हफ्ते भर पढ़ा है तो उतना याद है। अमेरिका में बैरल तूफान आया था, ह्यूस्टन तक पहुंच चुका था और बड़ा घातक सिद्ध हुआ। किस देश ने नेत्रहीन व्यक्तियों की मदद के लिए AI आधारित रोबोट गाइड डॉग का परीक्षण किया है? विच कंट्री हैज टेस्टेड AI बेस्ड रोबोट गाइड डॉग टू हेल्प ब्लाइंड पीपल? संयुक्त अरब अमीरात ने, जापान ने, चीन ने या फिर जर्मनी ने? देखो जरा ऐसा कुत्ते की आकृति के दिखेगा और एक ऐसा कुत्ता जो नेत्रहीनों के लिए सहायता बनाएगा, मार्गदर्शन देगा, सही रास्ते का चयन कराएगा, ऐसा भाई यहाँ पे मनुष्य की कमी होने लगी है, AI अब अपना स्थान लेने लगा है, बोलेंगे।
जी उत्तर तीव्र गति से आगे बढ़ने चाहिए। चीनी है से कुत्ते बनाएगा भाई, जो नेत्रहीनों की मदद करेंगे हम भी करेंगे भविष्य में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई? जारा शतावरी, किंजा लेली, हैली केल या फिर विंसी डेक? बोलो भाई, मैं बोल रही हूँ ना, इंसानों की जगह मशीनें लेने लगी हैं। वो दिन दूर नहीं जब इंसान सिर्फ मशीन बनाने का काम करेंगे और काम सिर्फ मशीनें करेंगी, है ना। यह बहुत बड़ी आकर्षक प्रतियोगिता हुई, पहली बार हुआ ऐसा, और इस पहली प्रतियोगिता को किंजा लेली ने जीत लिया। इसका 10 मिनट शो मैंने ऑलरेडी बनाया है, आप जरूर देखना इसके बारे में जानकारी। भारत की तरफ से जारा शातवारी शामिल हुई थी, ये भी याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्रुव सितवाला ने किसे हराकर एशियाई ब्लेडियर्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? ध्रुव चितवाला डिफीटेड होम टू विन द एशियन ब्लेडर्स चैंपियनशिप 2024 टाइटल? माइकल फरेरा को हराया, पंकज आडवाणी को, एफरेन रेयर्स को या फिर सौरभ कोठारी को? बोलना जरा, ब्लेडर्स एशियन चैंपियनशिप 2024 का खिताब ध्रुव ने जीता है, लेकिन हराया किसको है? अब हराया वाला प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति को हराया है। उत्तर देंगे सभी साथीगण फटाफट तरीके से। जी सर, उत्तर दें। बोलेंगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल, पंकज आडवाणी को हरा करके ध्रुव ने यह खिताब को अपने नाम किया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हाल ही में पोलरस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ पोलरस डॉन मिशन? बताना, नासा, इसरो, यूरोपीय स्पेस एजेंसी या फिर स्पेसएक्स? हाँ जी, उत्तर देंगे। हाँ जी बिल्कुल, स्पेस एक्स ने पोलारिस डॉन मिशन के लॉन्च की घोषणा की है। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को टीम इंडिया के नए हेड कोच के नियुक्त में नियुक्त किया है? विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द टीम इंडिया? वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली? उत्तर देंगे सभी दोस्त। सही उत्तर दें भाई, ये तो पता है ना, इसका 10 मिनट शो भी बताया, पूरा बताया है कि गौतम गंभीर को नया हेड कोच अगले 3 सालों के लिए नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम? सतीश नायक को, गीता गोपीनाथ को, नृपेन सिंह को या फिर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को? उत्तर देंगे सभी दोस्तगण। लास्ट 14 क्वेश्चन रिमेनिंग, जल्दी जल्दी उत्तर देंगे, साप्ताहिक रिवीजन हमारा संपन्न हो जाएगा। वेरी गुड, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इज दी राइट आंसर। चांद सितारे लगा लेना, प्रश्न महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ती हूँ, हाल ही में भारत
उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। इस संधि का उद्देश्य क्या है? रिसेंटली इंडिया इज गोइंग टू साइन द हाई सी ट्रीटी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रीटी? समुद्री संरक्षण, दैट्स आल्सो कॉल्ड मरीन कंजर्वेशन, समुद्री खनन, समुद्री जलमार्ग व्यापार, या फिर समुद्री ऊर्जा? उत्तर देंगे सभी दोस्तगण। आज ही आप लोग दोस्त ही तो हो जो रोज सुबह आ जाते हो 8 बजे मिलने के लिए, है ना? बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल समुद्री संरक्षण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 12वीं बैठक कहाँ हुई? वेयर वॉज द 12th मीटिंग ऑफ द इंडिया यूएई ज्वाइंट डिफेंस कॉरपोरेशन कमेटी हेल्ड? मस्कट में, मनामा में, नई दिल्ली में, या फिर अबू धाबी में? उत्तर देंगे सभी दोस्तगण। हाँ जी, कहां पर बैठक हुई? बिल्कुल बिल्कुल अबू धाबी में इस बैठक का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किस ग्रुप ने भारतीय टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा कर रही है? विच ग्रुप हैज अनाउंस टू स्पॉन्सर द इंडियन टीम फॉर पेरिस ओलंपिक 2024? बिरला ग्रुप ने, टाटा ग्रुप ने, अडानी ने, या फिर बजाज ग्रुप ने? क्या लगता है दोस्तों, किसके पास इतना पैसा होगा कि इतनी बड़ी टीम को, भारतीय पेरिस ओलंपिक की टीम को स्पॉन्सर कर पाए? आपका सोचना बिल्कुल सही है ना, अडानी ग्रुप्स, अडानी ग्रुप्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक किस शहर में शुरू हुई? द सेकेंड मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड इन विच सिटी? हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, या फिर देहरा के दून में? तो दो पढ़ाया गया यार, एक दो दिन पुराने ही करेंट अफेयर्स है, ज्यादा पुराना है ही नहीं, उम्मीद ज्यादा पुराने की कर ही नहीं रही। हाँ जी बिल्कुल, दिल्ली में यह बैठक आयोजित की गई। अब तो बस जाने का समय है, बाय बाय करने का समय है। लास्ट 10 क्वेश्चन रिमेनिंग। जैविक रूप से उत्पादित वस्तुओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? एन एग्रीमेंट हैज बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री टू फैसिलिट द ट्रेड ऑफ ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस गुड्स? ताइवान, चीन, ब्राजील, या फ्रांस? उत्तर देंगे सभी साथीगण। सोने का नहीं, बस लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रिमेनिंग है। टाटा बाय बाय। जो जो संडे की स्पेशल क्लास है उसकी समाप्ति की घोषणा। बिल्कुल, ताइवान के साथ भारत ने एक समझौता किया है जैविक रूप से उत्पादित वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए। भारतीय वायुसेना का विमान SU-30 MKI किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेगा? इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट Sukhoi-30 MKI विल पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 be held in which country? Canada, France, Austria, या फिर America? उत्तर देंगे दोस्तों।
बहुत अच्छा युद्ध अभ्यास है, बड़ा युद्ध अभ्यास है, 20 से अधिक देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं जो कि ऑस्ट्रिया में होगा। आगे बढ़ते हैं, 16वें वित्त आयोग ने सलाहकार परिषद का संयोजक किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कन्वर ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ बाय द 16th फाइनेंस कमीशन? नीलकंठ मिश्रा, पूनम गुप्ता, डॉक्टर के श्रीवास्तव या फिर दिनेश कौशिक। आप सभी को पता है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, जो कि पूर्व में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय संयोजक समिति का गठन किया, संयोजक सलाहकार परिषद का गठन किया और इसके प्रमुख संयोजक के रूप में पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ूंगे अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन सी कंपनी अंतरिक्ष की यात्रा के लिए वर्ष 2025 तक लग्जरी बैलून लॉन्च करेगी? विच कंट्री विल लॉन्च लग्जरी बैलून फॉर स्पेस ट्रेवल बाय द ईयर 2024-25? स्पेस एक्स, यूएस एक्स स्पेस, अमेजॉन या फिर बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। आपको अगर इच्छा है, मैंने जैसा कि पहले भी इस कक्षा को जब साप्ताहिक प्रश्नों में लेके आई थी तब मैंने बताया था कि अगर आपकी इच्छा है तो सेविंग करो, करीब सवा करोड़ रुपया लगेगा टिकट का और आप जा सकते हो अंतरिक्ष में बिना किसी यूनिफॉर्म को पहने, बिना किसी रॉकेट उपग्रह में जाकर के सीधे आप इस बलून पर आइए और ये लग्जरी बलून आपको अंतरिक्ष में 40,000 फीट लगभग ऊंचाई पर संपूर्ण भ्रमण करा देगा। तो यह कंपनी है EOS X Space। ओके, आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न पर, वीडियो को लाइक करते जाना, शेयर करते जाना। क्वेश्चन नंबर 45 की यात्रा आ चुकी है, हाल ही में किस देश के 16 वर्षीय यमाल यूरो कप 2024 में इतिहास के सबसे कम उम्र के गोल स्कोरर वाले खिलाड़ी है? रिसेंटली 16 ईयर ओल्ड यमाल ऑफ विच कंट्री हैज बिकम द यंगेस्ट गोल स्कोरर एंड गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ यूरो कप 2024? पुर्तगाल के है, स्पेन के है, फ्रांस के है या फिर ऑस्ट्रिया के है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, 16 वर्ष के यमाल सबसे कम उम्र में गोल स्कोरर करने वाले खिलाड़ी हैं, जो कि जब संबंध है स्पेन का, पढ़ाई गई बात है, भूल तो नहीं गए मेरे गजनियों, बताना जरूर। क्वेश्चन नंबर है 646, कौन सा देश T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 150 मुकाबले जीतने वाला पहला देश बन गया है? चांद सितारे लगा करके इस प्रश्न को याद करना है हमें। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू विन 150 मैचेस इन T20 इंटरनेशनल मैचेस? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड? फोटो किसकी दिख रही है बताना, वही उत्तर हो जाएगा और क्या। बोलो भाई, बहुत ही बढ़िया, भारत 150 T20 मैच जीतने वाला पहला देश। आगे बढ़ते 47 पर, हाल ही में HCL Tech की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक से सम्मानित किया गया? रिसेंटली HCL Tech चेयरमैन रोशनी नादर हैज बीन अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? ब्रिटेन की है, ब्रिटेन के सम्मान, नीदरलैंड के, जर्मनी के या फिर फ्रांस के? भाई भारतीयों का रुतबा हर जगह है, फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है रोशनी नादर को, सैटरडे की क्लास में पढ़ाया था, याद कर लेना इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में डूरेंट कप टूर्नामेंट 2024 की ट्रॉफियों का अनावरण किया गया? हु हैज रिसेंटली अनवील्ड द ट्रॉफीज ऑफ द डूरेंट कप टूर्नामेंट 2024 एट द सेरेमनी हेल्ड इन राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर गृह मंत्री के द्वारा? दोस्तों आप सभी को जानकारी है कि जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है उसका आयोजन कोलकाता, जमशेदपुर आदि 4 शहरों में किया जाने वाला है। इसी के अंतर्गत आप सभी को जानकारी होगी कि इसकी ट्रॉफियों का अनावरण राष्ट्रपति के द्वारा किया जा चुका है, डूरेंट कप। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना डूरेंट कप कब शुरू हुआ था। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित टूर्नामेंट समारोह, ये तो हो चुका भाई, प्रश्न क्रमांक है 49, भारत के किन पैरा निशानेबाज खिलाड़ी को वाइल्ड कार्ड के अंतर्गत पेरिस ओलंपिक में कोटा हासिल किया? विच इंडियन पैराशूटर्स हैव सिक्योर्ड कोटा इन पेरिस पैरा ओलंपिक अंडर वाइल्ड कार्ड? रूबीना फ्रांसिस, स्वरूप को, अपूर्वी चंदेला, सुमित को, अवनी लखेरा, प्रणव सूरमा को, मनीष नरवाल या फिर सिंहराज अधाना को? बताएंगे दोस्त।
बोलेंगे पैरा ओलंपिक जो कि पेरिस ओलंपिक के बाद होगा, इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है रूबीना और स्वरूप को, पढ़ाई गई है शनिवार की क्लास से, ज्यादा देर नहीं हुई है। आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न, जिसने वीडियो को लाइक ना किया हो, शेयर ना किया हो, फटाफट कर दीजिए जोरदार तरीकों से। हाल ही में किस राज्य में 3 बागवानी फसलों नागा मिर्ची, नागा प्री टमाटर, नागा स्वीट खीरा का जीआई टैग पंजीकरण हासिल किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज ऑब्टेन्ड जीआई रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्री हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स नागा मिर्चा, नागा ट्री टमाटो एंड नागा स्वीट कुकुम्बर? असम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर उड़ीसा? उत्तर देना दोस्तों। देखो नाम से ही काम है, नागा नागालैंड, बड़े ही तीखी मिर्ची नागा मिर्चा, नागा ट्री टमाटो और नागा कुकुम्बर को आपको याद रख लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आज के 50 प्रश्न आपके लिए सामने समाप्त हो चुके हैं। अब चूंकि संडे है, संडे को पढ़ाई तो करनी है, तो आरपीएफ कांस्टेबल का 10 बजे आपको टेस्ट मिलने वाला है, विनर्स इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पर, साथ ही साथ एमपीपीएससी के प्रीलिम्स का टेस्ट आपको 10 बजे मिलेगा, महिला सुपरवाइजर का टेस्ट आपको 10 बजे शाम को 4 बजे मिलेगा, और वन रक्षक जेल प्रहरी का 10 बजे मिलेगा सुबह। तो मतलब 4 टेस्ट आपको आज संडे को करने को मिलेंगे बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, रिवीजन करो बेटा, विनर्स एप्लीकेशन पर आप लोग जाइए, और ये टेस्ट आपको फ्री टेस्ट का अलग से मिलेगा शेड्यूल, वहां पे जाके आप दे सकते हैं। एमपीपीएससी मेंस की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, एप्लीकेशन पर आप लोग सिर्फ बहुत कम फीस पर ₹500 के अतिरिक्त डिस्काउंट के साथ इसको अटेंड करिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। एमपीपीएससी के 3 ईयर बैचेस, एमपीपीएससी की प्री मेंस इंटरव्यू की क्लासेस भी शुरू हो चुकी है, आप लोग ज्वाइन करिए। महिला पर्यवेक्षक वीरांगना बैच कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें सारे सब्जेक्ट टीचर आपको बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं। फीस मात्र 999 है। महिला पर्यवेक्षक बैच ऑफलाइन अटेंड करना है तो ये भी 15 जुलाई से नया ऑफलाइन बैच यानी मंडे से शुरू होने वाला है। साथ ही साथ एमपीटीईटी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की कंप्लीट ऑनलाइन वीडियो क्लासेस आपको 899 में मिलने वाली है। एमपीटीईटी वर्ग 3 का ऑफलाइन बैच भी शुरू हो रहा है जो कि 15 जुलाई से है, आप इसको भी अटेंड करिए और बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। एसएससी फाउंडेशन कोर्स जो कि 15 जुलाई से आप शुरू होने वाला है, मतलब कल यानी सोमवार से कई बैचेस आपको मिलने वाले हैं। इवनिंग बैच आपको मिलेगा 2 बजे से 8 बजे तक का ऑफलाइन बैच है, आप लोग यहां पर इंदौर आकर के पढ़ सकते हो। साथ ही साथ मॉर्निंग में भी बैच है 8 से 2, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स आपको मिलने वाला है, ये 1499 में है। ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे अटेंड करना है ये आपके ऊपर है। व्यापम फाउंडेशन बैच आपको 15 जुलाई से नया बैच है, 8 बजे से 2 बजे तक का है, ऑफलाइन आइए सेंटर पे बढ़िया मजेदार तरीके से पढ़िए। ईएसबी व्यापम फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स 1499 में, इसे भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। रेलवे फाउंडेशन का बैच ऑनलाइन भी आपको उपस्थित है, और रेलवे फाउंडेशन का नया बैच कमिंग सून है, जैसे ही आ जाएगा आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप लोग रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ऑफलाइन में, तो आप लोग आकर के इसको अटेंड कर सकते हो। रेलवे एनटीपीसी का बैच का जो 17 टेस्ट पेपर अगर आपको लगाने हैं तो ₹200 में, मतलब कपड़ा भी ना आए और 17 टेस्ट पेपर मिल रहे हैं, तो आप इसको अटेंड करिए। मैथ्स फाउंडेशन कोर्स को भी आप अटेंड कर सकते हो, आदित्य सर के द्वारा सारी क्लासेस उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये 3 एप्लीकेशन या फिर 3 जानकारियां नहीं ली है, तो विनर्स की बुक लेना हो तो विनर्स पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड कर लो, और विनर्स इंस्टीट्यूट के लिए आपको ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको डाउनलोड करना है, और स्टूडेंट सपोर्ट हेल्पलाइन सेंटर आपको इस नंबर पे मिल जाएगा, ये आप मेल भी कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप जानकारी दे करके इस पर नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। क्या होगा विनर्स एप्लीकेशन की जो सुविधाएं हैं, तो भाई डेली का करंट अफेयर्स आपको सुबह 8 से 9 मैं पढ़ाती हूँ, इसमें भी आपको डेली का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। इसमें पब्लिकेशंस की सारी बुक मिल जाएंगी, डेली का सब्जेक्ट क्विज मिल जाएगा, परीक्षा संबंधी जो अपडेट होते हैं वो मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज होगी, वीकली टेस्ट होंगे विद सॉल्यूशन, फ्री कोर्सेज होंगे, और डाउनलोड फ्री प्रीवियस ईयर्स पेपर। तो ये सुविधाएं आपको इस एप्लीकेशन पे मिलने वाली है। विनर्स इंस्टीट्यूट के ये 3 टेलीग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं ताकि बढ़िया तरीके से सारी जानकारी मिल जाए। ये टोटल 9 चैनल्स हैं यूट्यूब पर, जहां पर आप जो परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उसके अनुसार सारी जानकारियां आपको यहां पे मिल ही जाती हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के बीच में, और रविवार साप्ताहिक
कक्षा को अंत देने का समय आ चुका है। अगर कक्षा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, लाइक ज्यादा बढ़ा देना, शेयरिंग भी बढ़ा देना, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि कक्षा कैसी लगी। कल यानी 15 जुलाई दिन सोमवार को मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित हो जाऊंगी सुबह 8 से 9। आप लोग 10 मिनट शो देखते हैं कि नहीं देखते ये भी मुझे बता देना। लगातार 10 मिनट शो आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं तो उसका भी सुविधा आप ले सकते हो। मैं मिलूंगी कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।